हाय गजब बहुरिया, परेशान हो क्या? नहीं नहीं चाची जी, हम कहाँ परेशान है, हम तो बहुत ही मस्त मलंग है, हम नहीं होते परेशान। हम कुछ हाथ बटा दें? हाय गजब, नहीं नहीं अपनी बिंदिया हम खुद ही ठीक कर लेंगे, ठीक है? अरे चाची जी, हम आपसे एक बात पूछ लें। हाँ हाँ पूछो। चाची जी, आप चाचा जी से कभी नाराज नहीं होती का? हाँ हाँ काहे नहीं, जरूर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जब रेडियो के पापा कोई गलती करते हैं ना, तो हम उनसे एकदम नाराज हो जाते हैं और रूठ भी जाते हैं। है? हाँ हाँ पता है, एक बार छत पे हम रेडियो पापा के शर्ट सुखा रहे थे, तो शर्ट से जो पानी टपक के गिरता है ना, उसी में हम फिसल के छपछपा गिर गए, छपछपा के हमारा मेकअप खराब हो गया, तो हम रेडियो पापा से रूठ गए थे, नाराज भी हो गए। पर इसमें चाचा जी की क्या गलती है? अरे जब बहुरिया कैसी बात करती हो, शर्ट तो रेडियो पापा की थी लेकिन फिसल तो हम गए थे ना। तुमको पता है पूरा एक घंटा और 55 मिनट तक हम रूठे रहे। हाँ उसके बाद रेडियो पापा पूरे 11 बार कान पकड़ के और उठक बैठक करके सारी बोले हैं, तब जाके हम माने हैं। 11 बार का है? काहे कि 11 सुबह होता है ना। हाय गजब बहुरिया, तुम नहीं जानती हो का? अरे बच्चे के जो मुंडन होता है उसमें हम रुपया देते हैं, जैसे लिफाफा में डाल के रुपया देते हैं, वो 11 रुपया देते हैं ना, इसीलिए पूरे 11 बार बुलवाए थे। हाय गजब बहुरिया, का सोच रही हो? अरे नहीं नहीं चाची जी, हम कुछ और ही सोच रहे थे। का इस शादी में कितना देते हैं? बहुरिया तुम चिंता मत करो, किसी दिन फुर्सत में हमारे साथ बैठ जाना, तो हम तुमको पूरा लिस्ट बता देंगे कि किस फंक्शन में कितना रुपया देते हैं, जैसे कि शादी, गौना, फिर रिसेप्शन, फिर वो तिल्ला और बर्छा, सभी हम बता देंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है ऐसा कर लो। कहे कि हम सुंदर समझदार तो है ही है, इसीलिए हमको सब पता है, ठीक है? ये सही है, हस्बैंड जी को सबक सिखाने के लिए हम भी उनसे बात करना बंद कर देंगे। बंद कर देना। आप सुन ली? हाय गजब, का सुन लिया? हम तो कह रहे कि जब सब्जी पक जाएगी ना, तो गैस बंद कर देना, ठीक है? बहुरिया कहे कि भाप से हमारा सारा मेकअप खराब हो गया है, देखो तो हम तनिक मेकअप करके आते हैं, ठीक है? हस्बैंड जी अब मजा चखाते हम आपको। अच्छा अब तो मैं मम्मी को बता दूंगी कि तुम हमेशा राइम्स ही पढ़ते हो। मैं भी बता दूंगा कि पढ़ने की बजाय शूटिंग कर रही थी। चलिए जल्दी से डिलीट कीजिए। नहीं करूंगी, मैं तो मम्मी को बताऊंगी। मैंने कहा डिलीट कीजिए। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्या क्या शैतानी हो रही है? पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना तुम दोनों? क्या हो रहा है ये? बहुत फोना फोनी चल रही है, हाँ दुष्ट बदमाश हो गए हो दोनों। पढ़ाई करो वरना चाची आ जाएंगे और मेकअप पोत देंगे दोनों के फेस पे। वो पढ़ने का मूड नहीं है। आहा, पढ़ाई करने का मन नहीं है तो क्या करने का मन है? खेलने का मूड है। खेलने का मन है? हाँ, हाँ। अच्छा चलो एक काम करते, खेलते खेलते पढ़ते और पढ़ते पढ़ते खेलते, तो बहुत ही मजा आएगा। हाँ। है ना, आओ बैठो, इधर बैठो वीडियो। तुम ये छोड़ो, ये राइमिंग की बुक छोड़ो, ये लो मैथ्स की बुक पकड़ो। तुम अरे मैना जी, आप यहाँ पे हमने पूरा घर छान मारा है आपके लिए। रेडियो जरा इनसे कह दो तो कि हम तुम दोनों को पढ़ा रहे हैं। अरे तो बाद में पढ़ा लीजिएगा, अभी हम थक हार के आए, तो बात तो कर लीजिए। रेडियो जरा इनको कह दो तो हम भयंकर बिजी है। हाँ। अरे ये बात आप हमसे सीधे भी तो कह सकती हैं। रेडियो जरा इनको बोल दो तो कि हम किसी को कुछ भी सीधे मुंह बोलने के मूड में नहीं है। हाँ। अरे वाह मैना जी, आपकी हर अदा निराली है, बच्चों के थ्रू बातचीत, एक से एक रोमांटिक आइडियाज लाती है। वीडियो मैना जी से कह दो हमें इनसे अकेले में बात करनी है। रेडियो जरा इनसे कह दो तो कि बच्चों के सामने ऐसे बात नहीं करते हैं। अच्छा मतलब रेडियो आपकी टीम में है और वीडियो हमारी टीम में है? क्या? अरे हम ढेकुल नहीं, हम समझ गए, हम बहुत बोर हो रहे हैं, वीडियो बोल दो इनको। भाभी तो जरा इनसे कह दिया जाए कि हम कोई टीवी नहीं है जो इनका एंटरटेनमेंट 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 लगाते रहे यहाँ, और इतना ही अगर बोर हो रहे हैं बहुत ही तो जाएं अपने दोस्तों के साथ हंसी ठटक्का करें जिसमें बहुत ही माहिर हो रहे हैं। अरे हाँ, हमें कुल्लड़ से बात भी करनी थी।
बेशरम भी हो गए एक नंबर के। पत्नी नाराज है, बात नहीं कर रही है, तो ये नहीं कि कारण पूछे, मनाए। वीडियो इनसे बोल दीजिए हम बाद में मिलते हैं। मैना जी हमें बहुत मजा आया। मजा? हम बात नहीं कर रहे हैं तो इन्हें मजा आ रहा है? इतनी अकड़? अब देखना हस्बैंड जी हमसे बात करने को तरस जाओगे। मैना जी हम एक बड़ा अच्छा जोक सुन के आइए। सुनिए, एक बार एक आदमी होता है, वो बीमार हो जाता है, तो उसकी पत्नी अपने बीमार पति को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर बोलता है कि आपके पति ठीक हो जाएंगे, इनको आराम की जरूरत है, आप ये गोली खा लीजिए, नींद की गोली। तो पत्नी कहती है, हैं, बीमार तो हमारे पति हैं, हम क्यों गोली खाएंगे, नींद की गोली। तो डॉक्टर कहता है, आप नींद की गोली खा लेंगी तो आप चुप रहेंगी और आपके पति को इससे आराम मिलेगा। हमको तो मजा आ गया सुन के। मोमबत्ती जरा इनसे कह दो, हमें इनका ये जोक कतई पसंद नहीं आया। मोमबत्ती मैना जी से कह दीजिए तुम्हारी रोशनी में और भी खूबसूरत लग रही है। मोमबत्ती जरा इनसे कह दो तो ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं ना है। इनकी किताबें मेज पे सजा दी हैं और पेन पेंसिल पेंसिल स्टैंड में खोज दिया है। अपनी पढ़ाई कर ले, सीए जो बनने वाले हैं। मोमबत्ती मैना जी से कह दो हमारा पढ़ाई का मूड नहीं है, हमें इनसे बातें करनी है। मोमबत्ती जरा इनसे कह दो कि अब तुम बुझ गई, अब बात नहीं ना हो सकती। और हाँ, डॉक्टर जी ने हमको दे दी है नींद की गोली, इसलिए अब हम चुप रहेंगे, बोल नहीं सकते। मोमबत्ती जरा मैना जी से पूछिए हमसे नाराज हैं क्या। मैना जी हम जो भी कह रहे थे ना आपके बारे में नहीं कह रहे थे, हमने हाथ से बात कीजिए। देखिए मैना जी हमने जो जोक सुनाया था वो आप पे नहीं। गए तोते। सुनिए मैना जी जोक था ना, अम्मा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बहुरिया। अम्मा क्या कर रहे हो? हम बना दे चाय। अरे बहुरिया चाय तो बन गई है, बस तुम तो ऐसा करो कि चाय ना बाहर जाके सबको दे आओ। अच्छा ठीक है। हाँ? वैसे आजकल हम बहुत अच्छी चाय बनाना सीख गए। हाँ? और नया नया खाना भी। लल्ला तुम ऐसा करो कि वो डिब्बा उतार दो बेटा। ये लीजिए। थैंक यू बहुरिया। अरे आपके हाथ तो कानून से भी लंबे। हम चाय दे क्या था लल्ला। हाँ, कहाँ जा रहे हो? डिब्बा खोल देना। लो। अरे कहाँ जा रहे हो लल्ला? अम्मा चाय पीने। अरे ये रखी है ना तुम्हारी चाय, तुम यहाँ आ गए थे तो हमने चाय यहीं रख ली। अरे क्या कर रहे हो बेटा? मुंह चल जाएगा आराम से। जी पी ली। बिस्किट मांग रहे हैं। अच्छा हुआ लल्ला तुम आ गए, जाके छत से वो अचार की बरनी उठा लाओ जरा। हाँ अम्मा हम ले आएंगे, आप जाइए। अरे हम कहाँ चले जाएं लल्ला, अभी तुम्हारे बाबूजी और फूफा जी लौट रहे होंगे शहर से, उनको बढ़िया बादाम वाला दूध बना के दे देंगे। हैं? अम्मा ये रेडियो और वीडियो दूध नहीं पीते और चाची की बात भी नहीं सुनते, आप देख के आइए ना, जाइए। सही कह रहे हो लल्ला, हम जाकर देखते हैं। आप हमसे नाराज हैं?
ओफो, इसका मतलब है ढेकुल है ढेकुल। हम आपसे बात नहीं कर रहे, पर आपको तो हमसे बात करनी है ना, तो फिर आप काहे इशारे में बात कर रहे हैं? हम क्यों इशारे में बात कर रहे हैं? आप हमसे नाराज हैं? मैंने जी आपकी गर्दन अकड़ गई है। मैंने जी देखिए, हमें इशारे समझ नहीं आते। हम बचपन से डम शराट में बहुत डम रहे हैं, अब मुंह से बोलिए ना। बिस्कुट जरा इनसे कह दो तो, हम इनसे नाराज हैं। मैंने जी देखिए, आप नाराज हैं तो हमें बता दीजिए, अगर गलती से भी कोई गलती हुई है तो हम क्या कह रहे हैं हस्बैंड जी, रूल बना लेते हैं हम दोनों के बीच, नो थैंक यू नो सॉरी। हाँ तो क्या? अरे अभी आप कह रहे थे ना कि गलती हुई है और अगर हम नाराज हैं तो आप तो हम कह रहे थे कि हमें फुर्सत से बता देना कि गलती क्या हुई है, अभी हमें दुकान पे जाना। खड़ूस, एक नंबर के खड़ूस हो गए। जब जानते हैं कि बीवी नाराज है, जानते हैं कि कोई गलती किए हैं, फिर भी सॉरी नहीं ना बोल रहे हैं। हस्बैंड जी, जो गुब्बारा बहुत ज्यादा फूल जाता है ना हवा से, वो फट जाता है। आज से बातचीत बिल्कुल बंद। शहद से मीठी है मिठाइयों से घिरी एक परी, शहद से मीठी और मिठाइयों से घिरी एक परी, बच के रहना वरना मक्खियां भिन भिनाएंगी। अरे वाह कुल्फी! तुम्हारी कुल्फी पसंद है तुम्हें? हाँ बहुत। हमें ना, हम लाते हैं, तुम ठहरो। अरे अरे कुल्ला, हाँ हमें तुमसे बात करनी है। अरे अरे यार अभी नहीं यार, बड़ी मुश्किल में ना भिखारी के कटोरे में सिक्का गिरा है, उसे मत छीनो यार, है? जाने दो। अरे हम प्रॉब्लम में है यार, हमारी प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है। हाँ वो तो है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम वो तुम्हारी है। उस मुझे बख्श दो यार, मुझे जाने दो यार। अरे यार देख लिया हमने, जरूरत के टाइम दोस्त भी काम नहीं आता। अरे यार तुम तो सेंटी हो रहे हो। अच्छा बताओ, जल्दी बताओ प्रॉब्लम क्या है। मैना जी हमसे रूठी हुई है। अरे यार मैना जी रूठी हुई है तो मना लो यार, काहे को छोटी छोटी सी बातों में हमारी कुल्फी दाव पे लगा रहे हो यार। अरे यार लेकिन हम उनको सॉरी कैसे बोलें? सॉरी? अरे यार गोलगप्पे के ठेले से टकराते हो उसको सॉरी बोल देते हो, सब्जी वाले के टमाटरों में साइकिल चढ़ाते हो उसको सॉरी बोल देते हो, इधर तक कि बिजली के खंभे से टकराते हो उसको भी सॉरी बोल देते हो, तो भाभी से सॉरी बोलने में क्या जाता है? अब हमें जाने दो यार बस। अरे यार तुम बिल्कुल समझते ही नहीं हो यार, कुल्लड़ मैना जी ने हमको कल कहा है कि अगर हम सॉरी या थैंक यू बोलेंगे तो वो हमसे रूठ जाएंगे और मायके चली जाएंगे कटरा। मायके कटरा? ओके ओके गुरु, प्लान। प्लान? कैसा प्लान? भाभी तुम्हारी परीक्षा ले रही है, वो नाटक कर रही है रूठने का, समझे, ताकि तुम सॉरी बोलो फंसो। वो कैसे? अरे हमारे भोले भंडारी भाभी चेक करना चाह रही है कि हालात कितने भी बुरे हो तुम उनकी बात मानते हो या नहीं, इसलिए गुरु सॉरी मत बोलना। हम तो कहते सॉरी बोलना ही नहीं। ठीक है कुल्लड़, हम सॉरी नहीं बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे ही नहीं। तुम जाओ कुल्फी खा लो। हाँ तो फिर निकलते हैं। यार तोताराम 50-60 प्रॉब्लम और हो तो बताओ, यहीं बैठ के सुलझा लेते हैं, टाइम बहुत है हमारे पास, हमारी कुल्फी तो कोई और ले उड़ा है? हम चलते हैं। यार तोताराम अगर सॉरी बोल दोगे ना तो दिल को सुकून मिलेगा, मन हल्का हो जाएगा यार। हाँ सॉरी बोल देंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, तुम तो हमारे दोस्त हो। सॉरी कुल्लड़, और जीजा जी की लैंग्वेज में कहें तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके कूल। कूल नहीं फूल। हाँ बच्चा राम। अरे अरे भाई बड़ा अजीब सा मौसम हो गया है, रात में सर्दी और दिन में गर्मी। हाँ ये तो है, हमें तो सर्दी हो गई है, इससे अच्छा तो वो पयाक पूरी है हमारा। आपकी सर्दी का इलाज।
ये लीजिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। वाह बहुरिया वाह, क्या बात है क्या बात है। अरे वाह, अदरक वाली चाय हम भी पियेंगे। हाँ बहुरिया, ये तोताराम के लिए भी एक चाय बना लाओ ना। इसने अचानक आके सरप्राइज दे दिया है। जी चाचा। और सुने, दो चार मटरी भी ले आइएगा। हाँ हाँ। कहाँ चल रहा है ये? चीटा। हाँ? क्या? अरे फादर इन लॉ ने पूछा कि क्या चल रहा था, उनका एक चीटा चल रहा था, झाड़ दिया हमने। अरे हम गवाह जी तोता से पूछ रहे हैं कि घर के अंदर क्या चल रहा है। हाँ। अब साले साहब को कैसे पता चलेगा, वो तो बाहर से आ रहे हैं। समझी तोतारा जी, क्या टंटा क्या चल रहा है? अरे नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ नहीं। कहा कुछ नहीं माँ, उल्टी चिड़िया के हम पर गिन लेते, बता रहे कुछ नहीं है। हम पहले ही दिन ताड़ गए थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे तोता, ये बहुरिया काहेर उठी हुई है? अरे नहीं पुपा जी, ये तो बस परीक्षा है। परीक्षा? कहीं आईएएस लेवल के तो नहीं है? ये लो चाय। पुपा जी, हम 100% कह सकते हैं कि बहुरिया इनसे रूठी है। हमने भी ये बाल धूप में नहीं उड़ाए। करेक्ट। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और वैसे भी हम बड़े हो गए, हमें मालूम है मैना जी को कैसे हैंडल करना है। देखो तोता, हम कह देते हैं, अगर लक्ष्मी जैसी बहुरिया को कोई भी कष्ट दिया ना, तो वो हाल करेंगे कि भागे जमीन नहीं मिलेगी और ढूंढे छेद नहीं मिलेगा कि जहां जाकर छुप जाओ। ये ठीक है तोता। बेटा हम तुम्हारे बाप हैं, और क्या है कि मित्र भी हैं, तो कोई भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो ना बेटा, तो हमसे छुपाना नहीं, बता देना, और हमसे जो हो सकेगा करेंगे जी। भैया अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, कह रहा है कि हैंडल कर लेगा तो कर लेगा। हाँ, हाँ। और अगर कोई सरप्राइज हुआ तो फिर हम लोग हैंडल कर ही लेंगे। ठीक। चाय अच्छी थी वैसे? हम वैसे तो चाय पीते नहीं, पर आप जब अदरक डाल के घोट घोट के चाय बनाती ना, हमें बहुत पसंद है। वैसे हमें पता है आप क्या कर रही हैं? अरे आप चाहे हमसे जिंदगी भर बात ना कीजिए, हमें तो परवाह ही नहीं है। मैना जी, हम उतने ढेकुल नहीं जितना आप हमें सोचती हैं। हम भी नहीं बोलेंगे, हम तो सॉरी बोलेंगे ही नहीं। हम नहीं बोलने वाले सॉरी। हस्बैंड जी, अब आप वो पहले वाले हस्बैंड जी नहीं रहे। आप पहले कितने प्यारे थे, भोले थे, बिल्कुल शिव शंभू की तरह। इतनी अकड़, इतना गुरूर। ठीक है, अगर आप हैं तो हम भी हम हैं। हम भी कोई कम थोड़ी हैं, हम भी कटरा की कटीली मिर्ची हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या करेंगे।